बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोपोर्शन करेंगे कि आपके पास जो टर्म प्रोपोर्शन है उसमें और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी और प्रोपोर्शन में जो डिफरेंस है आप वो बताएं। तो इस वीडियो में हम जो है तो वो डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आपके पास प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन इज फॉर करंट डेटा। करंट डेटा मींस जो सर्टेन डेटा होता है, जब उसके लिए हम एस्टिमेट करना चाहते हैं तो वो आपके पास वहां पे क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शन। यानी प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन इज फॉर करंट डेटा, व्हाइल प्रोबेबिलिटी इज फॉर रैंडम। बाय रैंडम ही मींस दैट अनसर्टेन डेटा। तो ये क्या है आपके पास कि प्रोपोर्शन जो है वो आप जब आपने करंट डेटा के लिए कुछ एस्टिमेट करना है, सर्टेन डेटा के लिए आपने एस्टिमेशन करनी है, तो आप वहां पे क्या करते हो, प्रोपोर्शन यूज करते हो। बट अगर आप अनसर्टेन डेटा के लिए, अनसर्टेन डेटा है आपके पास तो आप क्या अनसर्टेनिटी डिफाइन करना चाहते हो, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोपोर्शन, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो अनसर्टेनिटी को डील करता है, जबकि प्रोपोर्शन जो है वो सर्टेनिटी को डील करता है, ठीक है। यानी एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। लेट सपोज हम जो है तो जो कोरोना केसेस हुए हैं उनमें मेल भी इफेक्ट हुए हैं, फीमेल भी इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। और हम जो है तो फीमेल प्रोपोर्शन चेक आउट फाइंड आउट करना चाहें कि फीमेल कितने, फीमेल जो है तो वो उनका प्रोपोर्शन क्या है। तो जो फीमेल जितने केसेस फीमेल इफेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ द फीमेल और डिवाइडेड बाय टोटल पे हम उसको डिवाइड करते हैं तो प्रोपोर्शन आता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है कि अगर हम ये कहें कि हम जो कोरोना केसेस जो मजीद नेक्स्ट ईयर में कोरोना की वजह से जो फीमेल इफेक्ट होंगी उनकी, उनके लिए फाइंड आउट करना चाहे कि कितनी कितने परसेंट चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर में कितने फीमेल जो है वो इफेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे आप अनसर्टेनिटी को डील कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये आपके आपके क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। जो फॉर्मूले हैं प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी का, वो भी थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें, ठीक है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, प्रोपोर्शन आपके पास, प्रोपोर्शन भी पी से डिनोट किया जा रहा है और प्रोबेबिलिटी भी आपके पास पी से ही डिनोट किया जाता है। प्रोपोर्शन आपके पास क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स क्या होता है, एक्स आपके पास स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जबकि एन जो है ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। और यहाँ पे आपके पास यानी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन का आप जब रेशियो लेते हैं उनको, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोबेबिलिटी आपके पास है फेवरेबल केसेस बाय पॉसिबल केसेस। सो जो डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटी है, सिंपल सा डिफरेंस है क्या है कि प्रोपोर्शन इज फॉर करंट डेटा व्हाइल प्रोबेबिलिटी इज फॉर रैंडम डेटा, फॉर अनसर्टेन डेटा। यानी अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोपोर्शन, तो आपने सिंपल ये आंसर करना है कि प्रोपोर्शन इज फॉर करंट डेटा व्हाइल प्रोबेबिलिटी इज फॉर रैंडम डेटा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोपोर्शन।